वनगमन मार्ग को विकसित करने और समाज में धार्मिक मान्यता को प्रोत्साहित करने के लिए 14 दिसंबर को सुकमा के से निकली राम रथ यात्रा का राज्य में आतिशबाजी और फूलों की वर्षा से भव्य स्वागत हुआ। धमतरी कलेक्टर मौर्य ने रामध्वज मिट्टी और रामचरित मानस गरियाबंद कलेक्टर श्री सागर को सौंपा। इस अवसर पर दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, परस्पर अधिकारी, साधु, गणमान्य नागरिक और आम जनता मौजूद है। रात में रामायण मंडली के कार्यक्रम के बाद रथ चंदखुरी रवाना हुआ। कई तीर्थ स्थान है हमारे उड़ता है, सीता जी ने उनको स्थापित करा, इस पर भी मान्यता है हजारों साल पहले। बहुत ही एक खुशी का और बहुत गर्व का है, हमारे हिंदू का और गर्व है। राम भगवान जो है वो यहाँ से गुजरे थे, उसका जो हम लोग उसका उत्सव मना रहे हैं और एक उसको महत्व दे रहे हैं, इसी महत्व सब पूरे विश्व को पता चले। खबर रायपुर से।